हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले सारे सेंटेंस। हम कितने तरह की बातों को और कितने तरीके से संभावना वाली बातों को बोलते हैं और उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, संभावना में बोली जाने वाली बातें बहुत तरह की होती हैं और हम कई वे में, इंग्लिश में भी हम कई तरीके से बोलते हैं। जैसे हम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और परहैप्स, मे, माइट, वुड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब इस्तेमाल करके हम संभावना वाली बातों को बोलते हैं। तो हम एक एक करके समझते जाएंगे सारे संभावना वाली बातों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परहैप्स, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी के बारे में। काम होने की अधिक संभावना हो, यानी जब काम होने की संभावना अधिक जताई जा रही हो तो प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड कहा जाता है, और कम संभावना के साथ परहैप्स या पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शायद आज वर्षा हो या शायद आज वर्षा हो सकती है, परहैप्स इट विल रेन टुडे, संभव है कि आज वर्षा हो। इसको हम ज़्यादा संभावना के साथ अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, हो सकता है आज रात वर्षा हो। इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, हो सकता है ट्रेन शीघ्र पहुँचे। इट इज़ पॉसिबल दैट द ट्रेन विल रीच सून। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी बातें आपने बोली है उसको हम मे लगाकर भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ वही निकलता है कि हम संभावना में कोई बात कह रहे हैं। बट परहैप्स, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, इनको थोड़ा थोड़ा बस फर्क होता है। सब सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए आप बोलते वक्त किसी का भी इस्तेमाल कीजिए चलता है। बट ग्रामर की दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी में हम जिसमें ज़्यादा संभावना के साथ कहते हैं तो उसमें कुछ और बोलते हैं, और कम संभावना के साथ बोलते हैं तो कुछ उसमें कुछ और बोलते हैं। बट बोलचाल में वेन एवर वी टॉक टू एनीबडी, उस समय में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो चलता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इन सेंटेंसेस को आप देखिए, आज रात वर्षा जरूर हो सकती है, कीमतें जरूर बढ़ सकती है, इस तरह के सेंटेंसेज में हम काम होने की संभावना को ज़्यादा करके बताते हैं, यानी कि बिल्कुल होना ही है, ऐसा हो जाता है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, आज रात वर्षा ज़रूर हो सकती है, इट इज़ गोइंग टू रेन टू नाइट, कीमतें ज़रूर घट सकती है, प्राइजेस आर गोइंग टू फॉल, कीमतें ज़रूर बढ़ सकती है, प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज। अभी इन सेंटेंसेस को पढ़िए, वह मूर्ख अवश्य होगा, वह पागल ज़रूर होगा, मैंने इसे ट्रेन में अवश्य छोड़ा होगा, आपने सीता को ज़रूर देखा होगा। इसमें हम ज़रूर वाली बात कह रहे हैं कि आपने एक चीज़ ज़रूर की होगी। तो ज़रूर, ज़रूर का मतलब होता है कि वो काम निश्चित तौर पे हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी काम निश्चित तौर पे हुआ है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मस्ट लगा कर बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, वह मूर्ख अवश्य होगा, ही मस्ट बी अ फूल, वह पागल ज़रूर होगा, ही मस्ट बी मैड, मैंने इसे ट्रेन में अवश्य छोड़ा होगा, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट इन द ट्रेन, आपने सीता को ज़रूर देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन सीता। अभी इन सेंटेंसेस को लीजिए, वह ज़रूर पास करेगी, वह अवश्य आएगी, वह तुम्हें ज़रूर मारेगा, वे लोग ज़रूर मैच जीतेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें और भी ज़्यादा हम संभावना के साथ बातें कह रहे हैं, मतलब इसमें मस्ट से भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, जब बात ज़्यादा विश्वास के साथ जोर देकर बोला जाएगा तो उसे हम ऐसे बनाते हैं, जैसे वह ज़रूर पास करेगी, 10 to 1 दैट सी विल पास, वह अवश्य आएगी, 10 to 1 दैट शी विल कम,
वह तुम्हें जरूर मारेगा, 10 to 1 दैट ही विल बीट यू। वे लोग जरूर मैच जीतेंगे, 10 to 1 दे विल विन द मैच। अभी आगे की हम स्टेप देखते हैं और आगे में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं वो भी हम ध्यान से देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रहे सेंटेंसेस। जब भूतकाल की काम की संभावना के संबंध में अनुमान व्यक्त किया जाता है, यानी कि जब भी हम कोई बात भूतकाल में हो गई यानी पूरी हो गई बट संभावना के साथ हम बोलते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, पहले आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। शायद आपने यह किताब पढ़ी होगी, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। ऐसे वाक्यों में संभावना यानी अनिश्चितता रहता है, बट ये काम पूरा हो जाने की बात की जाती है, इसलिए इसे हम अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मे हैव प्लस वी थ्री का। जब हम किसी पास्ट में किसी काम को पूरा हो जाने की बात कहते हैं और वो बात संभावना में कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं मे हैव प्लस वी थ्री लगाकर। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंसेस को बनाते हुए समझते हैं। शायद आपने यह किताब पढ़ी होगी, यू मे हैव रीड दिस बुक। शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड माई नेम। शायद मैंने उसे कहीं देखा है, आई मे हैव सीन हिम। शायद तुम्हारे नौकर ने मेरी घड़ी चुराई होगी, योर सर्वेंट मे हैव स्टॉलन माई वॉच। अभी इन सेंटेंसेस को देखिए, मेरी गाड़ी छूट गई होती, वह मारा गया होता, उसने पास किया होता, आपने यह पुस्तक पढ़ी होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं और प्लस वी थ्री का, मतलब ये हो गया होता बट हुआ नहीं। इसमें यह बोध होता है कि वो काम हो गया होता बट वैसा हुआ नहीं। ऐसे सेंटेंसेस को हम माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बोलते हैं। तो बनाते चलते हैं सेंटेंसेस को। मेरी गाड़ी छूट गई होती, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। वह मारा गया होता, ही माइट हैव बीन किल्ड। उसने पास किया होता, ही माइट हैव पास्ड। आपने यह पुस्तक पढ़ी होती, यू माइट हैव रेड दिस बुक। अभी इन सेंटेंसेस को आप देखिए, वह करीब 20 साल की होगी, उसकी उम्र 30 साल के लगभग होगी, वह मोहन की माँ होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्तमान में संभावना और अनुमान दोनों प्रकट होता है, इसलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को उड लगाकर बनाते हैं, उड बी लगाकर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह करीब 20 साल की होगी, शी वुड बी अबाउट 20। वह मोहन की माँ होगी, शी वुड बी मोहन्स मदर। तुम्हारी किताब टेबल पर होगी, योर बुक वुड बी ऑन द टेबल। वे लोग सिनेमा हॉल में होंगे, दे वुड बी इन द सिनेमा हॉल। तुम्हारा भाई इस वक्त स्कूल में होगा, योर ब्रदर वुड बी इन द स्कूल दिस टाइम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारी संभावना वाली बातों को आपने समझ लिया होगा और उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि अब और आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं और मुझे किस टॉपिक पर वीडियो डेवलप करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश
प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।